आज सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पार्ट वन वीडियो बनाया था, उस पार्ट वन वीडियो को अच्छे तरीका से फिगर में समझा दिए थे, और पार्ट टू वीडियो में उस सभी चीज़ का थ्योरेटिकल बताया था और पुंकेसर के बारे में समझाया था। जैसे कि बीजाणु के बारे में आज हम बताएंगे, और आज परागकण क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। परागकण में कितनी सतहें होती है, किस सतह से प्रजनन की क्रियाएं होती है, हर एक डीपली से डीपली पार्ट को यहाँ पे हम समझा देंगे। और यहाँ पे थ्योरेटिकल थ्योरी में भी आप सबको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम थ्योरी से ही पढ़ा देते हैं। तो पार्ट वन वीडियो को जो मैंने पढ़ाया था, पार्ट टू में डिस्कस कर दिया था 5 मिनट का, और जो पार्ट टू में पढ़ाए हैं उसको पार्ट थर्ड में डिस्कस कर देते हैं 5 मिनट में। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकोष पुंकेसर के बारे में पढ़ाते हैं, तो पुंकेसर के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो पुंकेसर का जो डंठल होता है वो एक धागे रुमा आकार का होता है, और सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है जिसी को हम कहते हैं परागकोष। पुंकेसर का क्या होता है? परागकोष। और परागकोष का सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया परागकोष, और उसके अंदर जो होता है परागकण होता है। तो परागकोष को मैंने पढ़ लिया था लघु बीजाणुधारी, और आज हम लोग देख लेंगे लघु बीजाणुधानी क्या होता है। उसके बाद हम लोग का यह परागकण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग पार्ट टू वीडियो में मैंने पढ़ लिया था, उसको मैंने थ्योरेटिकल भी समझा दिया था। जैसे पुंकेसर का क्या क्या हिस्सा का क्या क्या काम होता है, ये काम हमने बता दिया था। किसका कितना लेयर होता है, जैसे कि परागकोष का भी अलग अलग 4 लेयर होता है, 4 लेयर को मैंने डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग देख लेते हैं लघु बीजाणुधारी और परागकण क्या होता है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके आने वाला वीडियो में हो जाएगा बीज के बारे में, उस छोटे छोटे रुमा वो संरचनाएं कण होती हैं, कण का कितने भाग होते हैं, कितने बड़ा होते हैं, किसका किस काम क्या होता है, कैसे प्रजनन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए थ्योरी से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे परागधानी को मैंने पढ़ा दिया था, आज हम बता रहे हैं बीजाणु जनन। तो एक पॉइंट कल का पॉइंट में छूट गया था, बीजाणु जनन कोशिका क्या होता है। ये परागकोष के अंदर ही होता है। परागकोष में भित्ति द्वारा परिबंधित कोशिकाओं में समूह को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। ये जो समूह होता है एक साथ का जो बीज होता है, जैसे कि परागकण होता है, एक समूह में होता है, एक जगह होता है, उसी को हम कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका। आप लोगों को फिगर में दिखा देते हैं, बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। जैसे ये फिगर देख रहे हैं, इस टाइप का ये जो फिगर हो गया, और इसी के समूह में ये छोटे छोटे कण जो दिखाई दे रहा है परागकण है, ये हो गया क्या, परागकण है, जिसको पोलन ग्रेन कहा जाता है इंग्लिश में। यही होता है बीजाणु जनन कोशिका, इसी को कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका। यह एक कोशिका के समूह में बीजाणु जनन कोशिका होता है। यह कोशिका बाद में पराग मृत कोशिका का कार्य करता है, जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाता है। अर्धसूत्री विभाजन करता है, ये कौन करता है, बीजाणु जनन कोशिका जो होता है अपना समूह में रहता है, और समूह में ये अर्धसूत्री विभाजन करके ये लघु बीजाणु जनन बना लेता है। लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या करता है, बना लेता है। ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं परागकण क्या होता है। तो परागकण के अंदर तक जो डीपली पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये परागकण है, हम लोग जानते हैं ये क्या है, परागकण है। बाहर का क्या काम है, अंदर का क्या काम है, इनमें जनन छिद्र क्या होता है, बाह्य चोल क्या होता है, अकेंद्रक का क्या काम है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फिगर, और इस फिगर को पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा जो सबसे बाहरी जो त्वचा, जो छोटा सा कण होता है उसका सबसे बाहरी जो त्वचा होता है, इसी को हो गया कण। ये हो गया हमारा कण, सबसे बाहरी त्वचा को कहते हैं बाह्य चोल, मतलब एग्जिट कहा जाता है, बाहर को एग्जिट होता है, बाहर जाना मतलब एग्जिट, और बाह्य चोल को कहते हैं एग्जिन। और इसी के अंदर वाला बाद वाला चोल होता है जिसको जनन, यहाँ पे अंदर वाला होता है हिस्सा, इसमें इस तरीका से संरचनाएं दिया रहता है कटा टाइप का, जिसी को हम कहते हैं जनन छिद, यहीं से जनन की क्रियाएं होती है। अब इसके हम कण के अंदर जा रहे हैं,
और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं रिक्तिया, यहाँ पे त भी है रिक्तिया, जिसको हम कहते हैं रिक्तिका, इसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। ये हो गया हमारा केंद्रक। ये सभी का क्या काम होता है पहले थ्योरी से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लघु बीजाणु का परागकण या संरचना, इसकी क्या संरचनाएं हैं। तो हम लोग जानते हैं परागकण में नर युग्मक दलभित की प्रथम कोशिका अवस्था होता है। ये क्या होता है, युग्मकों का दलभित की प्रथम कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक परागकण का एक कोशिका एक केंद्रकी के गोल संरचनाएं होती है। जो भी ये क्या होता है परागकण होता है, ये छोटे छोटे संरचनाएं होती है और गोल होती है, जैसे मैंने फिगर में समझा दिया था। एक केंद्रकीय गोल संरचनाएं होती है, इनका माप 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसका क्या होता है, 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये लघु बीजाणु जनन की साइज जो होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर होती है, जिसमें भीति द्विस्तरीय होता है। ये क्या होता है, द्विस्तरीय होता है। अगला हम नोट देख लेते हैं, सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस होता है। सबसे जो छोटा आकार का परागकण होता है जिसका नाम है मायोसोटिस, जिसका नाम है मायोसोटिस। एल्पेस्टिस, जिसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर। यहाँ पे हम लोग कण का साइज हम लोग देख लेते हैं 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन सबसे जो छोटा माइक्रोमीटर होता है जो 10 माइक्रोमीटर का होता है, 20 से 50 ही मिनिमम हो गया और सबसे छोटा हो गया 10 माइक्रोमीटर, जिसका नाम है मायोसोटिस एल्पेस्टिस। मायोसोटिस एल्पेस्टिस 10 माइक्रोमीटर का होता है। और जो सबसे बड़ा परागकण होता है जिसका नाम है मेरबिलिस जलापाय, जो 200 माइक्रोमीटर का होता है। ये सबसे बड़ा परागकण होता है जो 200 माइक्रोमीटर का होता है। ये दोनों छोटा और बड़ा समझ में आ गया। और नॉर्मल इसका साइज होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर में ही होता है, मीटर गलती से मत लिख देना। इसका अगला टॉपिक को देख लेते हैं, परागकण दो आवरणों में अस्तित्व रहता है। परागकण क्या क्या रहता है, दो आवरण में अस्तित्व रहता है। बाह्य चोल, जिसको बाह्य आवरण बोला जाता है, बाह्य चोल मतलब बाह्य आवरण, और अंतःचोल मतलब अंत आयरन बोला जाता है। तो बाह्य चोल का क्या काम है इसको समझ लेते हैं। बाह्य चोल खुरदरा होता है। ये क्या होता है, ये मोटा और अलंकृत व खुरदरा होता है, मतलब रुखड़ा होता है। बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये जो बाहरी त्वचा होती है बाह्यकण का स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इन पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं। इसी पदार्थ के कारण ये स्प्रोलोलेनिस के कारण ही ये पदार्थ जो होता है ये गहरे रंग का होता है, मतलब बहुत चटकार रंग का होता है। बाह्य चोल का भौतिक एवं जैविक उपघटन नहीं होता है। बाह्य चोल जो होते हैं उसका भौतिक या जैविक कार्य नहीं होता है, अर्थात स्प्रोपोलेनिस का कारण परागकोण में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी के कारण इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं, किसके कारण जो परागकण होता है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो हम लोग बताएंगे बाह्य चोल के कारण ये जो परागकण होता है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ये बाह्य चोल जो होता है उसका सुरक्षा प्रदान करता है और वो खुरदुरा होता है, रुखड़ा होता है। और इसमें स्प्रोलोपोलेनिस पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जिसके कारण ये गहरे रंग का हो जाता है। ये सब मैंने बता दिया, इसको परागकण लंबे समय तक इसी के कारण ये सुरक्षित रहता है। ये हम कण के बारे में देख रहते हैं, एक तो हो गया। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं अंतःचोल क्या होता है। तो अंतःचोल यह पतला मृत एवं
कोमल झिल्ली सदस्य होता है, कोमल एकदम मुलायम पदार्थ होता है, एक झिल्ली नुमा पदार्थ का होता है। यह परागकण के जीवन द्रव को ढके रहता है, यह परागकण का जो जीवन द्रव होता है उसको ढक के रखता है। अतः चूल मुख्यतः पेक्टोसेलुसिस का बना रहता है। ये जो पेक्टोसेलुसिस का जो ये आंतरिक जो चोल होती है वो बना रहता है, आंतरिक दीवार जो होती है, अंदर की दीवार जो होती है, इसमें बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाई जाती है जिसे जनन छिद्र कहा जाता है। बाह्य चोल जो जैसा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो होता है परागकण जो ये बाहर का होता है जिसको बाहरी कवच कहते हैं, अंदर को हम कहते हैं आंतरिक कवच कहा जाता है। ये दोनों को मैंने अभी आप सबको बता दिया, ये बाह्य चोल और आंतरिक चोल इसी के अंदर होता है। बाह्य चोल ये खुद खुदा होता है, लुखड़ा होता है, इस तरीका से करके ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं जनन छिद्र, यहीं से जनन की क्रियाएं होती हैं। तो इस फिगर को भी इसमें बना लीजिए और इसके हम अगले टॉपिक को हम देखते हैं। जहाँ पर स्प्रोप्लेनिस अनुपस्थित होता है, पराय या द्विबीजपत्री पराकणों में 3 जनन छिद्र तथा 1 बीजपत्री में 1 जनन छिद्र पाई जाती है। इसमें कितना? 3 जनन छिद्र, और इसमें जनन छिद्र का 1 बीजपत्री में 1 जनन छिद्र पाया जाता है। परागकण अंकुरण के समय अतः चोल जनन छिद्र में से होकर अतिवृत्त पराग नली में के रूप में बाहर निकलता है। ये कैसे बाहर निकलता है? पराग नली के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मैंने समझा दिया था इस फिगर को, अब इसी में कुछ नोट पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है? नोट नंबर 1, कीट के द्वारा परागित पुष्पों में परागकणों पर एक तरल परत होता है जिसमें पोलन कीट कहते हैं, इसी कीट के गंध और रंग के कारण विद्यमान होता है। यही जो कीट होते हैं इसी के कारण आकर्षण होके पोलन कीट जो कीट जो निषेचन करने का कार्य करते हैं उसी को हम कहते हैं पोलन कीट। निषेचन कैसे होता है हम सबसे अंतिम में लास्ट वीडियो में देख लेंगे, पहले एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस सभी पॉइंट में क्या दिया हुआ है। अभी परागकण देख लेते हैं, गंध और रंग के कारण विद्यमान रहता है। ये क्या करता है? छोटा सा कण गंध करता है और उसका रंग के कारण ये प्रचलित रहता है, जिसके कारण वही उस पे जाकर अपना पैर रखती है, छोटी सी कीट, और उसी कीट के पैरों में यह परागकण चिपक जाता है और वहाँ से उड़ के स्त्री केसर पे जाकर बैठता है, तो वहाँ से वो गिर जाता है जिसके कारण वहाँ पे निषेचन हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग आगे देख लेते हैं, पहले इसके नोट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं पोलन कीट का निर्माण कैसे होता है। ये रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण करता है। अब पोलन कीट उसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है पोलन कीट वो कैसे निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पोलन कीट का निर्माण, ये रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण करता है। यह कोशिका का द्वार होता है। ये क्या होता है? कोशिका का द्वार होता है, यहीं से आने जाने की क्रियाएँ करते रहता है। ये इसका कोशिका के ये द्वार होता है। ये परागकणों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ये क्या होता है? परागकण के लिए, परागकण मतलब क्या होता है? निषेचन। परागकण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जो छोटे छोटे कण जो होता है वो परागकण कहते हैं। यही परागकण के लिए बहुत उपयोगी रहता है। कौन सा? पोलन कीट। यही पोलन कीट के कारण, अगर यही नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी के कारण पोलन कीट के कारण उसमें चिपचिपा पदार्थ हो जाता है जिसके कारण निषेचन का कार्य होता है, स्टार्टिंग होता है वहाँ से। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं, गंध के कारण कीटों को परागकण के लिए आकर्षित करता है। इसी गंध के कारण वो क्या होता है? कीटों का आकर्षण करता है। और दूसरा पॉइंट, प्राबैंगनी किरणों से परागकणों की रक्षा होता है। प्राबैंगनी जो किरण होती है उससे क्या होता है? परागकण की रक्षा होती है। तो क्वेश्चन आ जाए परागकण की रक्षा कैसे होती है, तो परागकणिक किरण के कारण रक्षा होती है। एक पॉइंट ये भी हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अपने चिपचिपाहट के कारण परागकण कीटों के पंखों में आसानी से चिपक जाता है। इसी चिप पोलन कीट के चिपचिपाहट के कारण कीट के पैरों में या पंखों में आसानी से चिपक जाता है, जिसके कारण निषेचन की क्रियाएं होती हैं। तो आई होप कि ये जो जो कण है, कण के बारे में आपने समझ में किया होगा, आंतरिक चोल और बाहरी चोल, और इसके बारे में न्यूक्लियस क्या है, ये सब इस तरीका से दिखाया गया है। ये जनन छिद्र है, सब चीज़ को मैंने समझा दिया कैसे होता है। ये हुआ पराग कण। अब यहाँ पे पराग कण कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, परागकण पुंकेसर के अंदर परागकण कंप्लीट हो गया। अब पुंकेसर कंप्लीट, अब स्त्री केसर को पढ़ेंगे, मतलब मेल खत्म हो गया, अब फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस दोनों को मैच करके निषेचन की क्रियाएं होगा। आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है स्त्री केसर, मतलब ज्यांग के बारे में आप लोग को बताया जाएगा।